शुरू करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो स्टूडेंट, हमने रिंग टोपोलॉजी कर लिया था और मैश भी कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग लगाते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैश के बारे में हो गया, रिंग के बारे में हो गया, अब हमारे पास है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में अब शुरू करते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है? जब टू टोपोलॉजी का कम्युनिकेशन कर दिया जाए, कोई टू टोपोलॉजी हो उनको आपस में ऐड कर दिया जाए, जो नई टोपोलॉजी बनती है उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। स्टूडेंट, दो टोपोलॉजी को जोड़कर, मतलब टू टोपोलॉजी को ऐड करके या उनका कम्युनिकेशन करके जो नई टोपोलॉजी बनती है उसी को स्टूडेंट क्या कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजी कौन कौन सी को मिला के बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोपोलॉजी होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट? बस। शुरू में हमने एक कंसेप्ट किया था, तो बस टोपोलॉजी के बारे में कर रहे हैं। इस बस टोपोलॉजी के अंदर देखते हैं कि क्या होता है। हम एक वायर को लगा लिया, एक वायर के अंदर हमने, यहाँ पर हमारा एक सर्वर है, यहाँ पे हमारा सर्वर है, मैंने यहाँ से एक हब को कनेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पे एक हब यहाँ पर बना ली है, एक हब मैंने यहाँ पे बनाई। इस हब से मैंने क्या किया, एक कंप्यूटर ऐड किया, ये ऐड किया और ये ऐड कर दिया कि मैंने यहाँ पर कंप्यूटर को ऐड कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंप्यूटर को ऐड किया यहाँ पर और फिर एक कंप्यूटर स्टूडेंट यहाँ बनाते हैं, एक कंप्यूटर स्टूडेंट यहाँ, इन सभी सिस्टम के नेम दे देते हैं ए बी सी डी। बस टोपोलॉजी, यहां हमारी कौन सी हो गई है? ट्री। और यहाँ बात करें कौन सी बनाए स्टूडेंट, हम कौन सी टोपोलॉजी बननी चाहिए, यहाँ पर रिंग और यहाँ पर बस टोपोलॉजी। यहाँ एक हब लगा रहे हैं, इस हब से ये टोपोलॉजी कौन सी होगी स्टूडेंट, जो हमने यहाँ बनाई है इस तरीके की, स्टार। मतलब कोई टू टोपोलॉजी का कम्युनिकेशन करके नई टोपोलॉजी बनाई जाती है उसे ही हाइब्रिड कहते हैं। लेकिन इसके अंदर मैंने कितनी मर्ज कर दी है, ट्री, रिंग, स्टार। मतलब दो के बाद चाहे आप तीन करो, चाहे आप
चार करो, मतलब थ्री करो, फोर करो, जो भी आपको ठीक लगे टू के बाद, मतलब टू टोपोलॉजी का एड होना ही हाइब्रिड है। उसके बाद चाहे थ्री एड हो जाए, चाहे टोपोलॉजी फोर एड हो जाए, उसको नहीं बोला जाएगा। लेकिन हाइब्रिड बनता कब है, जब इसके साथ कोई और टोपोलॉजी हो, तो तभी हाइब्रिड बनता है। अब अदर इसके बाद कितनी भी टोपोलॉजी, जितनी हमारे पास सिक्स टोपोलॉजी है, वो सारी की सारी हो जाएगी। अब हम इसकी एडवांटेज की बात करते हैं। ये कोई स्पेशल पर्पज के लिए ही बनाई जाती है। मान लेते हैं कि यहाँ कंप्यूटर लैब बनानी है, तो यहाँ कंप्यूटर लैब के लिए इस टोपोलॉजी को बना दिया, और ट्री टोपोलॉजी ऐसे बढ़ती जाएगी इस तरीके से। इनमें मैंने सिस्टम नेम नहीं दिए हैं, तो ताकि ये अलग से दिख जाए। स्टार टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी हमारी ये रही। अब इसकी एडवांटेज की बात कर रहे थे। एडवांटेज की बात पहले ये देखते हैं कि ये जिस पर्पज, एक स्पेशल पर्पज के लिए होती है कि इस रूम में मैंने कोई लेब बनानी है और वो लेब इस तरीके से चलती रहे, मतलब इस तरीके से बढ़ती रहे। एक हब बना दिया, आगे कंप्यूटर बना दिया, कंप्यूटर आगे इससे जुड़ गए, इससे दो कंप्यूटर जुड़ गए, इनसे आगे इस कंप्यूटर से आगे टू एड और हो जाएंगे, इसके आगे भी टू कंप्यूटर एड हो गए, आगे से आगे ये टोपोलॉजी जाती रहेगी। ये कौन सी रहेगी स्टूडेंट, ये जो टोपोलॉजी है जैसे लेब के लिए, और लेब के लिए हो गया कोई स्पेशल, इसका टारगेट हो गया, या हमें कोई स्पेशल टारगेट के लिए इसको बनाया गया है। रिंग टोपोलॉजी भी उसी टारगेट के लिए बनाई जाती है, जो टारगेट जैसा हमारा वर्क है, जैसा हमारा प्रोजेक्ट है, उसके लिए बनाई जाएगी। और ये जो टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, स्पेशल टारगेट के लिए बनाया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज की। एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंप्यूटर इसके अंदर ऐड किए जा सकते हैं। कितनी ही टोपोलॉजी को जो मिक्स करके बनाया जाएगा वो हाइब्रिड होगा। इसके लिए, इस टोपोलॉजी के लिए ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर ऐड होंगे तो वर्क भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और एक्सेस भी फास्ट होगा, क्योंकि इसको अपने सर्कल में कुछ चाहिए तो ये अपने सर्कल में ही वर्क करेगा, ये अपने सर्कल में वर्क करेगा, ये अपने सर्कल में वर्क करेंगे, ये अपने सर्कल में वर्क करेंगे, ये सब अपने सर्कल में स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने अपने सर्कल के अंदर वर्किंग करेंगे। जो वर्किंग होगी वो किसी एक सर्वर में सेव हो जाएगी। सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट इसका ये है कि जितना भी डेटा होगा वो किसी एक होस्ट के अंदर आ जाएगा। हमें यही तो करना है, हमारा टारगेट यही है कि हमारा जितना डेटा है वो सारा का सारा एक जगह आ जाए। अब स्टूडेंट ऐसा वर्क कहाँ होता है, जितने भी बैंक होते हैं वो सारे के सारे ऐसी टोपोलॉजी से ही बने होते हैं। उनके पास जो सिस्टम होता है वो नेटवर्क ही होता है। अब सारा का सारा जितना भी ये वर्क चलता है, जितनी बैंक होते हैं, इनका सारा का सारा वर्क होता है वो किसी एक होस्ट कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। इसके लिए कौन कौन सी टोपोलॉजी बनाते हैं स्टूडेंट, ये जो टोपोलॉजी बनाते हैं वो जितना भी है ट्री टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, रिंग का यूज़ करते हैं, स्टार का यूज़ करते हैं। इस डिपार्टमेंट में जैसा इनको वर्क चाहिए वैसी टोपोलॉजी को क्रिएट करते हैं। वैसे ही मैंने बताया, जैसा प्रोजेक्ट होता है वैसे ही टोपोलॉजी बनाई जाती है। टोपोलॉजी नेटवर्क का टारगेट क्या है कि यूज़र को हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करना। जैसे आज कोई बैंक हम बात करते हैं GSN में है, इसको ऑल इंडिया मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क सिस्टम है, इसको कोई भी अकाउंट है जो GSN में है, यहाँ हमने अपना अकाउंट करा रखा, हम ऑल इंडिया में कहीं पर भी हम अनूपगढ़ जाके भी पेमेंट, इस बैंक में अकाउंट है और अनूपगढ़ जाके हम पेमेंट निकाल रहे हैं, क्या पेमेंट का इशू आता है? नहीं आता। क्यों? सारा डेटा जितना भी होता है, सारा का सारा जो डेटा होता है वो नेटवर्क के जरिए किसी एक होस्ट में चला जाता है। चाहे हम यहाँ वर्क कर रहे हैं पर सारा का सारा एक्सेस यहाँ एक होस्ट से हो रहा है। सारा सेव कहाँ है? एक होस्ट के अंदर हो रहा है। कोई स्पेशल टारगेट के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज
करते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज हाइब्रिड टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज की बात करें, एक तो ये कॉस्टली है, देख लो कितनी वायर का यूज हो रहा है। क्या है स्टूडेंट, ये मैनेजमेंट क्या है, कॉस्टली है। मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट, ये कॉस्टली है, क्योंकि इसके अंदर आप वायरिंग देख सकते हैं, इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वायर का यूज किया गया है, मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब बात ये आती है, किसी एक टोपोलॉजी के फेल होने से, जैसे बात कर लेते हैं यहाँ प्रॉब्लम हो गई, रिंग टोपोलॉजी कोई बैंक के अंदर या किसी डिपार्टमेंट में बना हुआ है, अगर वहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी तो सभी का वर्क क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, पूरे ग्रुप का क्या हो जाएगा, वर्क डिस्टर्बेंस होगा। ये बात समझ गए आप। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज और क्या हो सकती है। मान लेते कि यहाँ प्रॉब्लम हो गई तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा जो ये ग्रुप चल रहा है इसको कितना बड़ा लॉस होगा अगर ये खराब हुआ तो। इसलिए हर कोई डिपार्टमेंट के पास एक सर्वर और होता है, क्योंकि इसका पूरा बैकअप कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, इसका पूरा बैकअप इसमें कॉपी होता है, अगर ये फेल होता है तो इससे जोड़ दिया जाता है। हाँ, इनका सोल्यूशन नहीं हो पाता जल्दी सी, क्योंकि इनके अंदर कुछ हार्डवेयर फेल हो गया और हो गया तो वो चेंज करना ही पड़ेगा, वो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना होगा। अब हम इसको दोबारा से बनाते हैं। हमारा यहाँ हब लगा लेते हैं, हब के बाद यहाँ से कंप्यूटर को ऐड कर देते हैं, यहाँ जो टोपोलॉजी बनेगी ठीक है। हमने यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी बना ली है और यहाँ पर जो कंप्यूटर ऐड होंगे वो कौन से हो जाएंगे, ट्री। ट्री टोपोलॉजी के हो जाएंगे। ये हमारा मेन सर्वर हो गया, होस्ट हो गया, ये हमारा कंप्यूटर ए बी सी डी एच आई एल, हमारी दो टोपोलॉजी आ चुकी है, ट्री और रिंग। तो आप स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, हाइब्रिड के अंदर स्क्रीनशॉट या नोट कीजिए। स्टूडेंट देखो, हमने इसको कॉपी में नोट करना और बनाना है, इसको बढ़िया तरीके से बनाओगे कोई टू टोपोलॉजी को बना देना चाहे। और इसके अंदर हमारी डिस्कस थी, अब बात करते हैं इसके अंदर इंटरनेट की बात करते हैं। किसी एक होस्ट के अंदर नेटवर्क दे दिया जाए, हाई स्पीड अगर नेटवर्क दे दिया जाए तो सिंपल सी बात है, एक के अंदर होने से वो इंटरनेट की बात करें वो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी हो जाएगा। अब हम एडवांटेज इसकी कर चुके हैं,
कि इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा कलेक्ट करने के लिए, डेटा शेयरिंग करने के लिए हाइब्रिड टोपोलॉजी को बनाया जाता है। मैक्सिमम डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन सी टोपोलॉजी बनाई जाती है? मैक्सिमम डेटा के लिए हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाई जाती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा कलेक्ट करने के लिए जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि हमने कौन कौन सी टोपोलॉजी को किया। हमने बस टोपोलॉजी, हमने बस कर लिया है, बस स्टार ट्री। इन्हीं से कौन सी टोपोलॉजी आ गई? रिंग। मेस, हाइब्रिड। अब हम इन सभी का एक बार ओरल और कर लेते हैं और हमारी टोपोलॉजी का कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। बस टोपोलॉजी, सबसे पहले बस टोपोलॉजी की बात करें। बस टोपोलॉजी किसी एक होस्ट या एक पॉइंट से शुरू होती है। स्टूडेंट, एक होस्ट से शुरू करके यहां पर एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जो टोपोलॉजी बनाई जाती है, कि वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। जिसके अंदर एक ही पॉइंट हो और दूसरे पॉइंट तक डेटा भेजना हो वो बस टोपोलॉजी होती है। इस तरीके की टोपोलॉजी को कौन सा कहा जाता है? लीनियर कहा जाता है, लीनियर बस कहा जाता है। अगर हम इसके बीच में और चैनल बना दें, तो इसको कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं? स्टूडेंट, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बस कहा जाता है। बस टोपोलॉजी के अंदर कौन सी टोपोलॉजी हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये डेटा यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर हमें एक हब बनाना है। सिर्फ कितने हब बनाने? स्टूडेंट, ओनली फॉर सिंगल हब का यूज करना है। सिंगल हब बना लेते हैं हम। सिंगल हब में एक कंप्यूटर यहां पर अटैच कर देते हैं, एक यहां। अब यहां पर जो ये टोपोलॉजी होती है इसको कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं? स्टूडेंट, इसको स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। डेटा की शेयरिंग किसी एक हब से होगी। डेटा की शेयरिंग को ओनली फॉर वन हब से होगी। सिंगल हब से जब इसके सर्कल की तरह आसपास ही कंप्यूटर, मतलब थोड़े स्पेसिंग ज़्यादा दूरी नहीं होती, नज़दीक ही होता है, पास पास ही कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, कोई चैनल एक होता है, उसको कौन सा कहा जाता है? स्टूडेंट, स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। डेटा की शेयरिंग होती है। अगर इसका ये चैनल फेल हो जाए तो ये टोपोलॉजी क्या होगी? फेल हो जाती है। तो ये हमारी कौन सी होती है? स्टार टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे स्टार टोपोलॉजी के बाद नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारे पास आ जाती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी की बात करें स्टूडेंट, हमें ट्री बनानी है तो सबसे पहले हमारे पास एक हब, हायर हब के बाद हम लोअर हब बनाएंगे। कौन सी हब बनाएंगे स्टूडेंट? लोअर हब। इसके अंदर हम पीसी कनेक्ट कर रहे हैं,
यहाँ पर पीसी कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ भी पीसी कनेक्ट कर देते हैं। जो एक पेड़ की तरह हो वो कौन सी टोपोलॉजी होती है स्टूडेंट? वो ट्री टोपोलॉजी होती है। इसके अंदर एक हमारे पास हायर हब होती है और बाकी लोअर हब होती है। इन्हीं से कंप्यूटर को जोड़कर जो टोपोलॉजी बनाई जाती है उसको ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। इन्हीं तीन टोपोलॉजी से जो टोपोलॉजी बनती है उनको ये टोपोलॉजी कहा जाता है। जैसे स्टार की तरह जो टोपोलॉजी शो होती है वो रिंग होती है और जो ट्री की तरह थोड़ी शो होती है वो मैस होती है। अब हम इन दोनों की बात करें और इन सभी टोपोलॉजी को मिलाकर जो टोपोलॉजी बनती है उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। हम ट्री की बात कर ली है, रिंग की बात करें, रिंग टोपोलॉजी जिसके अंदर हर सिस्टम का अपना एक चैनल होता है और कंप्यूटर आपस में रिंग की तरह कनेक्ट होते हैं, एक रिंग की तरह कनेक्ट होते हैं। इनके बीच में यहाँ कोई हब नहीं है, इनका आपस में ही एक अपना चैनल है ये रहा। तो आपस का ये एक क्या होता है, इनके पास अपना चैनल होता है और ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। डेटा की शेयरिंग होती है और इसके डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ से अगर ये फेल हो जाए तो यहाँ से इसका सर्कल होता कभी इस तरीके से नहीं चलता है, जबकि इसका सर्कल होता वो इस तरीके से चलता है। और यहाँ पे अगर कंप्यूटर कोई फेल है या यहाँ फेल है तो यहाँ डेटा शेयरिंग नहीं होगी, तो ये इसकी डिसएडवांटेज भी है। तो ये रिंग है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में मैस टोपोलॉजी के बारे में। मैस टोपोलॉजी को बनाते हैं सोशल टोपोलॉजी और सबसे कॉस्टली टोपोलॉजी अब शुरू हो गई है। यहाँ पर हमने बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, ये हमने कंप्यूटर को एक होस्ट कंप्यूटर है हमारे पास, होस्ट जो मेन है इससे मैंने क्या कर दिया, इन सभी को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद ये इससे अटैच कर दिया, इसको इससे अटैच कर रहा हूँ मैं और इस कंप्यूटर को यहाँ अटैच कर रहा हूँ। मतलब जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा मैंने इसका बना दिया। जिस कंप्यूटर को जिसकी ज़रूरत है उस कंप्यूटर को उससे अटैच हमने कर दिया। तो ऐसा सिस्टम करने पर जो टोपोलॉजी बनती है उसको कौन सी टोपोलॉजी कहा जाता है? मैस कहा जाता है। डेटा की शेयरिंग रहती है। अब बात आती है कि मैस टोपोलॉजी क्या है, कॉस्टली है। एक सिस्टम या एक वायर के प्रॉब्लम होने से डेटा की शेयरिंग रुक सकती है, बाकी चैनल चलता रहेगा। जहाँ प्रॉब्लम हो गई या यहाँ जितनी वायर में प्रॉब्लम होगी उतना क्या होगा, नेटवर्क रुक जाएगा। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड के अंदर हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट कि कोई भी दो टोपोलॉजी को मिलाकर जो टोपोलॉजी बना दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कौन सी टोपोलॉजी ले लेते हैं, एक बस टोपोलॉजी ले लेते हैं। हमारा ये होस्ट कंप्यूटर हो गया, इस कंप्यूटर से हमने एक हब यहाँ लगा लिया है, इस हब से हम कंप्यूटर अटैच कर देते हैं। तो ये हमारी कोई टोपोलॉजी हो गई और ये हमारी बस टोपोलॉजी भी चल रही है। बस के बाद एक टोपोलॉजी हमने यहाँ बना दी है जिसका नाम ट्री दे देते हैं, जो कि ट्री है। और ट्री के बाद एक यहाँ पे और बना लेते हैं, यहाँ कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से एक ये हमारी रिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास बस हो गई, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। तो इस तरीके की जो टोपोलॉजी होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट? हाइब्रिड टोपोलॉजी
होती है, तो इसके अंदर ये भी सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। विशेष कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए इसको बनाया जाता है, सबसे कॉस्टली होती है। होस्ट प्रॉब्लम होने पर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, पर एक इसमें कोई भी वायर प्रॉब्लम होने पर इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये सारा जो सिस्टम था वो कौन सा था, लेन लोकल एरिया नेटवर्क था, लेकिन हाइब्रिड के अंदर इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैला दिया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, मेन हो जाएगा। मतलब पूरे एरिया में अपने खुद के एरिया से जीएसएन से बाहर, जीएसएन से बाहर कर दिया जाए, गंगानगर तक ले इसको ले जाए हम SGNR, मतलब गंगानगर तक ले गए तो ये मेट्रोपॉलिटन हो जाएगा। अगर आप इंडिया से ही बाहर इस नेटवर्क को फैला देते हैं, इंडिया से बाहर अदर एरिया में फैला देते हैं इंडिया से बाहर, तो ये फिर वेन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। स्टूडेंट नोट कीजिए, तो आज हमारी स्टूडेंट क्या हो गई है, टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई है। कल हम नई क्लास शुरू करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।